कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सिवान जो कभी बिहार की राजनीति और बिहार की सत्ता को दिशा निर्देश किया करता था, सत्ता पर कौन बैठेगा और सत्ता में किसकी भागीदारी कितनी होगी, ये सारा सिवान से तय होता था और लालू प्रसाद उसे मानने के लिए मजबूर भी थे और उनकी मजबूरी भी थी। आपको बता दें कि हिना साहब मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं। हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से चुनाव लड़ी और हार भी गई, लेकिन इस बार पूरा का पूरा माहौल ही बदला हुआ है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले और तिथियों की घोषणा से पहले हम कई बार आपको बता रहे थे कि हिना साहब का रुझान RJD से नहीं बल्कि NDA के घटक दलों से है। इस बीच कहा यह जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अंतिम क्षण में पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और उनके प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी के रहे, उनको, उनकी पत्नी को विजयलक्ष्मी को टिकट दिया गया। रमेश कुशवाहा ने अपनी पत्नी को वहाँ से नॉमिनेशन कराया। तो वहीं दूसरी बात ये चर्चा में चलने लगी थी कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को देगी और हिना साहब वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कई राउंड की मीटिंग उनकी हो चुकी थी चिराग पासवान से, चाहे वो दिल्ली की बात करें या फिर उनके आवास पर जाकर के चिराग पासवान का मिलना हो। लेकिन इन सब में एक अलग माहौल देखने को मिला। माहौल यहाँ तक देखने को मिला कि हिना साहब ने जैसे ही ये घोषणा कर दिया कि वो राष्ट्रीय जनता दल या किसी भी दल से नहीं लड़ेंगी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो उनके सपोर्ट में कई दल सामने नजर आने लगे, उनके समर्थक और विरोधी सभी उनके समर्थन में आने लगे और यहाँ तक कि हिंदुओं ने तो उनके लिए रास्ते कई खोल दिए। यहाँ तक कि भगवा रंग साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीरों में, किस तरह से उनके पीछे और उनके साथ चल रहे हैं लोग। अब इसके बाद पप्पू यादव का समर्थन हो या फिर अन्य लोगों का, यहाँ तक कि आपने देखा कि महाराजगंज से भी उनको सपोर्ट आया है। और इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि हिना साहब ने अपना पूरा का पूरा एंगल चेंज कर दिया है। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, उनके नॉमिनेशन में इस तरह का तस्वीर का सामने आना और इसका वायरल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हिना साहब पर भगवा रंग चढ़ना ये जीत की कहीं गारंटी तो नहीं। इस बात को लेकर के अब चर्चाएँ भी खूब हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगने लगा है कि वो बिहार में जब चुनाव लड़ रही है तो निर्दलीय कहीं ना कहीं खेल कर सकते हैं। पूर्णिया के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है, हालांकि अभी कई क्षेत्र हैं जहां चुनाव कड़ा होने वाला है, तो वहीं सिवान में भी हिना साहब ने चुनाव को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। उनके विरुद्ध अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो NDA की तरफ से विजय लक्ष्मी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भगवा रंग कितना चढ़ता है हिना साहब के रिजल्ट पर। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिंपल तरीके से मैंने नामांकन किया है। मैं किसी को नहीं चाहती हूँ कि परेशानी हो, इस तपती धूप में लोग आके खड़े रहे मेरे लिए प्रतीक्षा करें, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से नामांकन किया। सभी को हमारे सिवान जिला को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नामांकन की हूँ। मैं सिवान जिला को अपना परिवार
समझती हूँ, मैं भीड़ को इन लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। मैं हर व्यवस्था दीदी के लिए मैं आगे आऊंगी। चलिए ठीक है, बहुत चलिए बढ़िया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।